मॉर्निंग बच्चों, हम पढ़ रहे हैं लेसन नंबर 3 वैद्युत रसायन, और ये लेसन नंबर 3 का 12वां वीडियो है। इससे पहले हमने पढ़ा नेट समीकरण के अनुप्रयोग या नेट समीकरण के एग्जांपल। अब पढ़ रहे हैं हम बैटरियां या सेल के प्रकार। मैं आपको बता चुका हूँ कि सेल या बैटरी दो प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती है भाई? दो प्रकार की होती है, प्राथमिक सेल या प्राथमिक बैटरी, द्वितीयक सेल या द्वितीयक बैटरी। प्राथमिक सेल वे होते हैं जिन्हें हम एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं, बार बार इनको प्रयोग में नहीं लाया जा सकता, चार्ज नहीं कर सकते हम इनको बार बार। द्वितीयक सेल वे होते हैं जिन्हें एक बार प्रयोग में लाने के बाद दूसरी बार भी प्रयोग में लाया जा सकता है, क्योंकि इन्हें हम बार बार चार्ज कर सकते हैं, पुनरावेशित कर सकते हैं। तो अब पढ़ते हैं हम प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल। भाई प्राथमिक बैटरी या प्राथमिक सेल के जो एग्जांपल है वो है शुष्क सेल। क्या है भाई शुष्क सेल? तो हम पढ़ेंगे पहले शुष्क सेल यानी सूखा सेल। ये सेल आपने देखा भी होगा बैटरियों में या रेडियो में, पहले सेल आता है वो। देखो ये सेल बेलनाकार होता है। कैसा होता है भाई? ये बेलनाकार सेल होता है। इसका बाहरी आवरण जिंक का होता है, अंदर इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। बाहरी आवरण जिंक का होता है, ये एनोड का कार्य करता है। आंतरिक छड़ ग्रेफाइट की होती है, वो कैथोड का कार्य करती है। बेलनाकार होता है, बाहरी आवरण जिंक का बना होता है, अंदर इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है। जिंक का आवरण एनोड कार्य करता है, और ग्रेफाइट की छड़ कैथोड कार्य करती है। ये जिंक का आवरण, ये एनोड है, ये कैथोड समझ लो इसे। ये बेलनाकार होता है, इसका बाहरी आवरण जिंक का बना होता है, अंदर इसमें ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड कार्य करती है, जिंक का आवरण एनोड कार्य करता है। इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड प्लस कार्बन का पेस्ट भरा होता है। MnO2 यानी मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसके बाहर होता है NH4Cl तथा जिंक क्लोराइड का चूर्ण भरा होता है। NH4Cl प्लस ZnCl का चूर्ण भरा होता है। आगे बात समझिए आपको, सेल के एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण क्रिया होगी और यहाँ पर अपचयन होगा। दोनों ही इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। देखो जैसे हम कहें आपसे कि भाई एनोड पर क्रिया क्या हो रहा है भाई? एनोड पर जिंक का आवरण है, इसका हो रहा है ऑक्सीकरण, तो Zn+2, ठीक है। कैथोड पर हो रहा है अपचयन,
कैथोड पर अपचयन हो रहा है, तो इसके लिए आप लिखो भाई दो इलेक्ट्रॉन अमोनियम आयन और मैग्नीज डाइऑक्साइड, ये तो है भाई मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज डाइऑक्साइड अमोनियम आयन का अमोनिया, अमोनियम बदल जाएगा और ये बदल जाएगा मैग्नीज ऑक्साइड, मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में, सॉरी मैग्नीज हाइड्रोक्साइड में ये बदल जाएगा। ठीक है, देखो सेल की अभिक्रिया में प्राप्त जिंक जो आयन है ये अमोनियम, अमोनिया से क्रिया कर जिंक अमोनिया संकुल आयन बना लेता है, जिसका सेल विभव होता है 1.5, यानी शुष्क सेल का विभव कितना है 1.5 है भाई, शुष्क सेल का विभव कितना है, सेल विभव 1.5 वोल्ट, समझो आप इसको, शुष्क सेल को समझ लो। शुष्क सेल बेलनाकार आकृति का होता है जिसका भारी आवरण जिंक का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। शुष्क सेल के अंदर ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है जो कैथोड का कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसके बाहर अमोनियम क्लोराइड तथा जिंक क्लोराइड भरा होता है। एनोड पर क्या होता है भाई, ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर अपचयन होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है जो आपके सामने है। जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है और अमोनियम आयन किसमें बदल रहा है, अमोनियम बदल रहा है, और ये अमोनिया जिंक आयन से क्रिया कर जिंक अमोनियम संकुल यानी जो बनेगा वो देखो ZnNH3O4 2+ ये संकुल बनाता है। ठीक है भाई, शुष्क सेल का जो इलेक्ट्रोड विभव होता है या सॉरी सेल विभव होता है वो होता है 1.5 वोल्ट। आपको शुष्क सेल समझ आ गया होगा भाई, वो आपसे शुष्क सेल की बनावट नहीं पूछेगा, वो पूछेगा आपसे शुष्क सेल का नामक ही चित्र बनाइए या शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया लिखिए, शुष्क सेल से होने वाली अभिक्रिया लिखिए। फिर आपसे वो एक अगला क्वेश्चन पूछ सकता है कि ZN यानी जिंक आयन अमोनिया से क्रिया कर क्या बनाता है, वो आपको ये संकुल को याद रखना है, ये संकुल ऐसे कैसे आपको लिख आना है। ठीक है भाई, इस संकुल को आप ऐसे कैसे लिख करके आ जाना, उसमें आपको एक नंबर मिल जाएगा। तो शुष्क सेल समझ आ गया होगा आपको। शुष्क सेल का जो उपयोग है वो किया जाता है रेडियो में और बैटरियों में, घड़ी का जो सेल होता है आपकी दीवार घड़ी उसमें भी शुष्क सेल का प्रयोग किया जाता है। ये एक बार ही प्रयोग में ला सकते हैं, इनको बार बार प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है क्योंकि ये दोबारा चार्ज नहीं होते हैं, इसलिए इन्हें हम प्राथमिक सेल कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, प्राथमिक सेल कहते हैं। इसके बाद देखो मरकरी सेल का उपयोग हाथ की घड़ी कैलकुलेटर आदि में किया जाता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है इसलिए इसे बटन सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, इसे हम बटन सेल कहते हैं। एक बार फिर से सुन लो, इस सेल का उपयोग कैलकुलेटर हाथ की घड़ी में किया जाता है। इसकी आकृति गोलाकार होती है। इस सेल
को हम बटन सेल भी कहते हैं। आपने देखा ही होगा ये गोलाकार सेल, इसका भारी आवरण जिंक अमलगम का होता है। इसका भारी आवरण किसका होता है भाई? जिंक अमलगम का होता है। जिंक अमलगम दोबारा से बनाओ इसे। गोलाकार आकृति का होता है ये ZnHg यानी जिंक अमलगम। अंदर इसमें मर्क्यूरी का ऑक्साइड और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसके बाहर इसमें पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड होता है। सुन लो, इस सेल का भारी आवरण जिंक अमलगम का होता है जो एनोड कार्य करता है। इसमें मर्क्यूरिक ऑक्साइड की छड़ लगी होती है जो कैथोड कार्य करती है। ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड की छड़ है जो कैथोड कार्य करती है। इसमें कार्बन का पेस्ट भी भरा होता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरा होता है। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक हाइड्रोक्साइड भरा होता है। एनोड पर ऑक्सीकरण यहाँ पर ये ऑक्सीकरण होगा और ये कैथोड पर अपचयन होता है। कैथोड पर अपचयन होता है। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। देखो किस प्रकार, देखो मर्करी जो सेल है इसकी आकृति गोलाकार होती है, इसे हम बटन सेल भी कहते हैं। इसका उपयोग हाथ की घड़ी कैलकुलेटर में किया जाता है। इसका बाहरी आवरण जिंक अमलगम का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। सुन लो एक बार ध्यान से, आप इसे जो एनोड कार्य करता है, और आप जानते हैं कि भाई एनोड पर क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है, अर्थात एनोड पर कोई भी धातु आयन में बदल जाती है या धातु इलेक्ट्रोड डोनेट करती है, त्यागती है, ठीक है। इसमें जिंक ऑक्साइड की छड़ लगी होती है और कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में अमोनियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरा होता है। ठीक है भाई, एनोड पर होने वाली अभिक्रिया और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं हम। तो देखो एनोड पर क्रिया कौन सी हो रही है? एनोड पर क्रिया हो रही है जिंक अमलगम है। एनोड पर क्रिया और एनोड पर हो रही है ऑक्सीकरण। क्या हो रहा है भाई? ऑक्सीकरण हो रहा है। आगे देखो, ऑक्सीकरण जिंक अमलगम, भारी आवरण जिंक अमलगम का है जो एनोड कार्य कर रहा है। ये
हाइड्रोक्साइड आयन जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कर जिंक ऑक्साइड और H2O और ये दो इलेक्ट्रॉन बाहर कैथोड पर जो क्रिया हो रही है वो है अपचयन में कोई भी धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कोई भी धातु आयन इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर धातु में बदल जाता है। तो जिंक ऑक्साइड कैथोड पर जिंक ऑक्साइड छड़े प्लस H2O दो इलेक्ट्रॉन ये धातु में भाई यहाँ पर देखो ये आयन ही है ये यहाँ पर जो Hg है वो किस में है 2+ में है और O किस में है O- में है O-2 ठीक है यानी मरकरी किस में है आयन में है द्विसंयोजी आयन में है। ये दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा किसे बदल जाएगा मरकरी में दो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर किसे बदलेगा मरकरी में बदल जाएगा प्लस 2 OH यानी हाइड्रोक्साइड आयन दोनों अभिक्रिया को जोड़ दो संपूर्ण सेल अभिक्रिया आपके सामने आ जाएगी। देखो ये दो इलेक्ट्रॉन काट दो इससे हाइड्रोक्साइड आयन से हाइड्रोक्साइड आयन काट दो H2 से H2 को काट दो देखो Zn Hg प्लस HgO मर्क्यूरिक ऑक्साइड जिंक ऑक्साइड प्लस Hg ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया आ गई। इसको लिखो नेट सेल अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया। आगे देखो भाई ये बटन सेल है या मर्करी सेल है आपसे यहाँ पर इसकी बनावट या कोई भी सेल की बनावट नहीं पूछेगा वो पूछेगा आपसे इसका नामक चित्र या होने वाली अभिक्रिया दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया वो पूछ सकता है आपसे। तो देखो मर्करी जो सेल है ये कैलकुलेटर और हाथ की घड़ियों में इसका उपयोग किया जाता है इसकी आकृति गोलाकार होती है इसलिए इसे हम बटन सेल भी कहते हैं। इसकी बनावट देखो ये इसकी संरचना भारी आवरण जिंक अमलगम का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है एनोड पर ऑक्सीकरण क्रिया होती है आंतरिक छड़ जिंक ऑक्साइड की होती है जो कैथोड का कार्य करती है इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड का पेस्ट भरा होता है विद्युत अपघट्य भरा होता है ठीक है भाई। दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया हम लिख सकते हैं। तो एनोड पर जो अभिक्रिया हो रही है वो ऑक्सीकरण और अभिक्रिया हो रही है ऑक्सीकरण में कोई भी धातु आयन में बदल जाती है। तो देखो इधर जिंक अमलगम हाइड्रोक्साइड आयन से क्रिया कर वो बनाता है जिंक ऑक्साइड जल और दो इलेक्ट्रॉन भार ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं ये इलेक्ट्रॉन आए हैं ऑक्सीजन से किससे आए हैं भाई ये ऑक्सीजन से आए हैं 2OH यहाँ पर ऑक्सीजन आ जाएगा तो ये H2O ही बचेगा। कैथोड पर अभिक्रिया अपचयन होता है कैथोड पर कौन सी अभिक्रिया हो रही है अपचयन अभिक्रिया हो रही है कैथोड किसका है जिंक ऑक्साइड का है जिंक ऑक्साइड एनोड से जो दो इलेक्ट्रॉन आए उनको दोनों को ग्रहण कर किस में बदल जाती है वो मरकरी धातु में बदल जाती है और ये 2OH- क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ जाएगा। संपूर्ण सेल अभिक्रिया में करने के लिए समान समान को काट दो आप
दो इलेक्ट्रॉन से दो इलेक्ट्रॉन कट जाएगा, 2OH से 2OH कट जाएगा और H2O से H2O कट जाएगा। तो आपके पास बचा जिंक अमलगम और मर्करी ऑक्साइड, इधर बचा आपका जिंक ऑक्साइड और मर्करी। ठीक है भाई, ये है मर्करी सेल या बटन सेल, समझ आ गए आपको। मैं आपसे बार बार कह रहा हूँ कि कोई भी सेल की बनावट आपसे बहुत कम चांस है कि वो पूछे आपसे इसकी बनावट वगैरह, तो आप फड़ी लेना आपके इसमें से नोट्स में से। फिर से बता देता हूँ आपको कि कोई भी सेल की बनावट आपसे बहुत कम चांस है कि वो पूछे आपसे। सेल में आपसे पूछेगा वो उसकी या उसका नामक चित्र, इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रिया, एनोड या कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया या संपूर्ण सेल अभिक्रिया। ये आपको दो तीन चीज़ यहाँ पर फटनी है, इसके अलावा वह सेल से आपसे कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है भाई, अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम सीसा संचायक सेल, वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, वहाँ से भी क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और काफ़ी बार पूछा भी है। ठीक है भाई, तो इस वीडियो में हमने पढ़ा है प्राथमिक सेल, तो प्राथमिक सेल में हमने पहले पढ़ा शुष्क सेल, पहले हमने क्या पढ़ा भाई, प्राथमिक सेल में आपने दो सेल पढ़ लिए, एक तो पढ़ लिया आपने शुष्क सेल और दूसरा आपने पढ़ लिया मर्करी सेल या बटन सेल। शुष्क सेल का प्रयोग आपके दीवार घड़ी, बैटरी जो टॉर्च होती है उसमें, सेल की टॉर्च, और इसके साथ किया जाता है रेडियो में, जो रेडियो होते हैं आपने देखा भी होगा, पहले रेडियो चलते थे जैसे दिनकर रेडियो है, फिलिप्स का है, उनमें किया जाता था इनका प्रयोग शुष्क सेल का। शुष्क सेल का भारी आवरण जिंक का बना होता है, भारी आवरण किसका बना होता है भाई, ZN का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। ठीक है, इसके अंदर ग्रेफाइट की छड़ लगी होती है, ये ग्रेफाइट की छड़ कैथोड़ कार्य करती है। ग्रेफाइट की छड़ के चारों तरफ मैग्नीज डाइऑक्साइड तथा कार्बन का पेस्ट भरा होता है। इसमें अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भी भरा होता है। यह अमोनियम क्लोराइड और जिंक क्लोराइड भरा होता है, इसके भार MnO2 और कार्बन पेस्ट के भार भरा होता है। ठीक है भाई, ये आपका प्राथमिक सेल है। प्राथमिक सेल कौन सा है, शुष्क सेल है। जिंक एनोड कार्य करती है और कैथोड का कार्य करती है ग्रेफाइट। आगे बात सुनने, ये तो इसकी हो गई बनावट। एनोड और कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिखी जा सकती है। जैसे हम बात करें शुष्क सेल के एनोड पर होने वाली अभिक्रिया, शुष्क सेल के एनोड पर अभिक्रिया जिंक जो धातु है वो जिंक आयन में बदल जाती है दो इलेक्ट्रॉन भार, कैथोड पर अभिक्रिया होती है, ये दो इलेक्ट्रॉन कैथोड पर जाएंगे अमोनियम आयन और MnO2, ये बनेगा अमोनिया और मैग्नीज हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये सेल अभिक्रिया होगी इसकी शुष्क सेल की। ठीक है भाई, अब देखते हैं मर्करी सेल का प्रयोग
मर्करी सेल का प्रयोग घड़ी में हाथ की जो घड़ी होती है उसमें कैलकुलेटर में किया जाता है। इनकी आकृति गोलाकार होती है, इसलिए हम इसे बटन सेल भी कहते हैं। इसका भारी आवरण जिंक अमलगम का बना होता है जो एनोड का कार्य करता है। इसके अंदर मर्करी ऑक्साइड की छड़ लगी होती है। इसमें विद्युत अपघट्य के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और जिंक ऑक्साइड भरा होता है। आगे देखो, एनोड तथा कैथोड पर होने वाली अभिक्रिया को जोड़कर हम संपूर्ण सेल अभिक्रिया लिख सकते हैं। यहाँ पर तो एनोड पर होने वाली अभिक्रिया देखो, यहाँ पर लिखो एनोड, हम पढ़ रहे हैं मर्करी सेल की अभिक्रिया भाई। एनोड पर अभिक्रिया ZnHg+2OH-, ये 2OH- किससे आएंगे भाई, आयन ये आएंगे यहाँ से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। तो ये ZnO+H2O+2 इलेक्ट्रॉन भार, ठीक है। कैथोड पर अभिक्रिया, अब कैथोड पर क्या हो रहा है अपचयन। कैथोड पर क्या हो रहा है भाई, अपचयन। कोई भी धातु आयन धातु में बदल जाता है, नहीं ऑक्स, ये है मर्क्यूरिक ऑक्साइड प्लस H2O प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये मर्करी में और OH-2OH-, ठीक है। इन दोनों सेल अभिक्रिया को जोड़ दो, आपको दोनों सेल अभिक्रिया को जोड़ने पर संपूर्ण सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाती है। समान को काट दो, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन गए, H2O से H2O गया और 2OH- से 2OH-। इधर देखो बच्चा, क्या आपके पास में ZnHg+HgO ZnO+Hg, ये आपकी संपूर्ण सेल अभिक्रिया होगी। तो मैंने आपको इस वीडियो में क्या पढ़ाया, प्राथमिक सेल में आपको शुष्क सेल और मर्करी सेल दोनों पढ़ा दिए हैं भाई मैंने आपको। अगले वीडियो में पढ़ेंगे हम सीसा संचायक सेल। धन्यवाद भाई।